नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे देवी मंदिर के बारे में जहां भोग में सुअर की बलि चढ़ाई जाती है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, यहां पर लोग अपनी मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार की बलि देते हैं। वैसे तो तंत्र संप्रदाय में बलि चढ़ाना आम है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर जहाँ देवियों के मंदिरों में पशु बलि का विधान है। भारत से नेपाल के कई देवी देवताओं के मंदिरों में बकरा, भैंसा, मुर्गा, भेड़, मछली और अंडा बलि भोग में चढ़ता है, पर सुकर बलि यानी सुअर की बलि कुछ ही स्थानों पर चढ़ाई जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा ही एक मंदिर है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित चौगान मसानी माता का। लोग इनको मसानी बोल देते हैं, पर ये असल में मसान यानी शमशान की देवी है, यानी चौगान वाली, कल्लर वाली, थानों वाली, ये सब नाम इनको ही समर्पित है। ये देवी उग्र रूप वाली होने के कारण ये देवी तांत्रिक पद्धति से पूजित होती है। इनकी पूजा लोक सेवाओं और शाबर मंत्रों से की जाती है। इनके मंदिर में सुअर का भोग, जीन जिन्नाद और भूत डाकिनी तंत्र बाधा आदि शक्तियों के निवारण हेतु दी जाती है। यहाँ दूर दूर से भक्त माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। जो लोग गुरुग्राम वाली का दर्शन करने आते हैं, बाद में वे चौगान माता का भी दर्शन करते हैं। इन दोनों देवियों को बड़ी छोटी माता के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो यहाँ बकरे, मुर्गा, मेढा और शराब मदिरा भी चढ़ाई जाती है, और यहाँ सात्विक भोग पान, बतासे, फल, मिठाई, हलवा, पूरी भी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा कुछ सात्विक साधक नारियल, नींबू की भेंट भी प्रदान करते हैं। यहाँ देवी की कई और प्रकार की मसानियाँ रहती है, पर सुअर की बलि चौगान माता मदानंद वाली के लिए दी जाती है। सुअर बलि देने के पीछे भी कई कहानियां और तथ्य जुड़े हुए हैं। पहले के समय में सभी उग्र देवी पीठों में कई प्रकार से बलि चढ़ाने की मान्यता थी, और कुछ में अभी भी बलि चढ़ाई जाती है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे ये सब गलत है, पर जीव हत्या केवल बलि देने से ही नहीं, बल्कि जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए भी यही सोच होनी चाहिए। देवी को पुराणों में बलि प्रिया बोला गया है। दुष्टों का लहू पान करने वाली योगिनियों के लिए बलि दी जाती है। वहीं जो लोग पशु समान कार्य करते हैं वे फिर पशु योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उन्हीं दुष्टों के कल्याण के लिए उन योगिनियों को उन पशुओं की बलि दी जाती है। उसी प्रकार यहाँ सुअर की बलि देने की मान्यता है। इनके मंदिर के बाहर ही आपको कई दुकान लगी मिल जाएगी, पर ये बलि केवल इनके साधकों द्वारा दी जाती है जो इनकी तंत्र रूप में साधना करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ ये देवी कुल परंपरा में भी पूजी जाती है, तो वे लोग भी इनके लिए सुअर की बलि देते हैं और फिर उसको पकाकर जो खाने वाले होते हैं उनको दे दिया जाता है। इनकी बलि एक खास प्रयोग के लिए दी जाती है, हालांकि सभी लोग इस प्रक्रिया को नहीं करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।